हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब की बगिया में आप लोग को स्वागत है। चलिए आज मैं सत्तू भर का पराठा बना रही हूँ। उसके लिए मैंने अचार का तेल डाली हूँ। इधर चना वाला सत्तू है, जमाइन मंगरेला है, धनिया पत्ता है, प्याज है, लहसुन है और आदि है, और हरा मिर्चा आप जितना घर में पसंद करते हैं उतना डाली, और नमक काला नमक। अब चलिए सारे को मैं अपने हाथ से ही मिक्स करती हूँ, मुझे संतुष्टि इसी में मिलता है। अब सारे को मिक्स करके आटा गूंदेंगे, उसमें इसको भरेंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है। चलिए अब चलिए सत्तू भी बन गया। इधर आटा सान के इस तरह से, क्या आप भी कहीं चले जाते हैं तो आपके घर में इतना गंदा किचन लोग कर देते हैं ना बउआ लोग, 4 दिन में मेरा किचन का क्या हाल किया है देखिए। अब इधर कुछ छान कर बनाएंगे, कुछ रोटी बनाएंगे, तावे वाला पराठा। इस तरह से सारे को छान लेंगे। इधर साड़ी को उलट पलट कर रेडी छान लेंगे, और इतने को प्लेट रोटी में पराठा बनेगा तावे पर, थोड़ा थोड़ा सब घी लगाकर। ये रिफाइंड में बन रहा है। प्यारे प्यारे लिट्टी बन गए। इधर ही सारे को मैं बना लूँ पी लूँ, उसके बाद सारे को तावे पर बनाकर सेक लूँगी। इसको आप 10 दिन भी रखिएगा ना तो खराब नहीं होगा। क्योंकि मैंने सत्तू में थोड़ा सा भी तेल वगैरह नहीं डाली, उसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिएगा और तो और टेस्टी लगेगा। मैंने घी डालना भूल गई थी उसमें, फिर लिट्टी का अंदर घी डालने का कोई नहीं जरूरत पड़ता। ये घी अंदर डालिएगा ना तो जो लिट्टी आग वाला होता है ना उसका फ्लेवर आता है, थोड़ा सा घी अंदर उसमें डाला जाता है ना ऊपर से, और इसको अंदर सत्तू के अंदर 2 चम्मच घी गरम करके और डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं छोटी सी दिखा रही हूँ इसलिए। इस तरह से साड़ी मैंने देखिए बना ली, और सारा है और इतना को इस तरह से थोड़ा सा पहले तेज कर दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा स्लो और करके बीच में, और फिर तेज करके फ्राई कर लीजिए। ये एक नंबर बनेगा, सारे फूल भी जाएंगे। पहले तेज करना है और उसके बाद स्लो कर देना है बीच में, जब थोड़ा सा हल्का बेदामी कलर के हो जाएंगे तो तेज कर स्लो कर देना है। उसके बाद तेज करके छान लीजिए, अंत में थोड़ा सा स्लो करके, जिस तरह से मैंने अभी स्लो की हूँ। मैं अब लिट्टी डाल दी हूँ तो इसका फुल कर देंगे और चार इसी तरह से बना लेंगे। और तावे वाला भी छोटा छोटा है ना, इसको एक बार 3-3 बना लेंगे। इसको आप कहीं जाना उना है तो स्टोर करके भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, तावे पर सिझा कर और फ्रिज में थोड़ा सा कच्चा आधा पक जाए तो उसको फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। उसके बाद छान छान के उसको फ्राई करके, घी घस के खाना है तो तावे पर बना घस कर खा लीजिए।
बहुत टेस्टी लगता है और जेंट्स लोग को भार भी नहीं पड़ा। बाय। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।